सामने देख लीजिए, अभी काइकिंग यहाँ से करने के लिए जाएंगे। अभी यहाँ से जो है केप के अंदर एंट्री हो रही है। ये जो एरिया है ना हलोंग वे, ये बेसिकली सेवन वंडर्स में से एक है। ये क्या लिखा है वियतनामी में? आपको तो आती है थोड़ी बहुत, बताओ। हंग मींस केव, हंग मींस केव, और सनशॉट मींस सरप्राइजिंग केव। सरप्राइजिंग केव, तो इसका नाम है सरप्राइजिंग केव। तो इन्होंने वियतनामी में बताया। हमारे साथ एक जो है वर्ल्ड ट्रेवलर भैया है, भाई साहब ना वर्ल्ड ट्रेवलर, उतना नहीं आता स्पेनिश आता है, स्पेनिश वियतनामी बहुत सारा आता, बहुत मजे लेते हैं जीवन के लिए। ये कितनी कंट्री घूम चुके? 24 कंट्री बताओ घूम चुके हैं भाई साहब, और एक साल तक ये घूमते रहे। कोई चैनल नहीं है, बस ब्लॉग है मेरा, ब्लॉग है भाई साहब का। क्या नाम से ब्लॉग? मस्टर्ड अंडर माय फीट। तो ऐसी लंबी लंबी सीढ़ियां आपको चढ़ के आनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा सीढ़ियां हैं, क्योंकि केव जहाँ भी होगा वहाँ चढ़ने की जैसे सीढ़ियां मिलेंगी। हम ये इस तरफ आ गए, ये जगह जगह जो है फोटो शूट के लिए बना हुआ है, तो यहाँ आके आप फोटो शूट कर सकते हैं। अरे यहाँ तो ठंडा है भाई, हैं? अब नीचे थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है, हम पहले ऊपर चढ़े, अब नीचे की तरफ उतरना। तो आपको जैसे नीचे देख के चलना पड़ता है। तो ये केव है, इस तरह से देखिए नीचे सीढ़ियाँ हैं, तो संभल कर आपको आनी पड़ेगी। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा ठंडक है, इस वजह से यहाँ इतनी जनता है चारों तरफ, और ये इस तरफ पानी आ गया केव में, तो आप आकर जो है इस तरह से केव को देख सकते हैं। अब यहाँ से हम दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी जो है केव है, इसी के अंदर से धीरे धीरे निकलना पड़ता है, एकदम पतली सी है, तो आपको संभल के आना पड़ेगा और ऊपर सिर भी बचाना पड़ेगा, पानी भी है थोड़ा स्लिपरी भी है, तो ध्यान से जो है उतरना पड़ता है। तो ये अगली डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, तो ऐसे बने हुए हैं बहुत सारे, तो आप फटाफट हर जगह से एक जगह दूसरी जगह आ सकते हैं। और याद रखिएगा आपको अपने गाइड को फॉलो करना है, हमारा गाइड वहाँ आगे है, सबके गाइड अलग अलग होते हैं, फिर बहुत सब मिक्सअप हो जाता है, और फिर ये दिक्कत होती है आपका क्रूज जो है, आप कहीं वो निकल ना जाए आपको छोड़ के, इसलिए हरदम अपने गाइड को देखते रहिए आपका गाइड कहाँ पर है। तो यहाँ फोटो शूट चल रहा है, तो आप यहाँ फोटो शूट कर सकते हैं इन केव में। भाई साहब यहाँ पे ना गर्मी बहुत है, तो आप ये देखकर आइए कि आप जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये समय आइए, ज्यादा बेटर है, बाकी भाई साहब पसीना जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक चलेगा। अब ये अगली डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंचे हैं, हाँ इस तरह से जो है पूरा केव है। तो अब हम लोग का जो है ट्रिप, केव का जो है ट्रिप खत्म हो गया है, और हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं, तो इसलिए रोशनी आ गई है, गर्मी बहुत है, बाकी तो सब ठीक है, गर्मी बहुत है, ये सब जो है जनता बाहर निकल रही है। बेसिकली केव में क्या है, ऊपर से पहले नीचे की तरफ ले जाते हैं, नीचे बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस है, वो देखने के बाद फिर आप ऊपर की तरफ वापस आते हैं। मैं जो है सीढ़ियों के सहारे उतर के अब जो है वापस बैठने के लिए जा रहे हैं क्रूज़ में। ये सामने जो है इतना खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं, और इस नज़ारे की जो है बात ही अलग, अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय, मतलब क्या बताएं, मैं इसको फील कर रहा हूँ सामने से। जितना अंदर नज़ारा अच्छा नहीं था, उससे बेटर तो बाहर है, और यही हलोंग वे की खासियत है, इसी को देखने के लिए दुनिया भर से जो है टूरिस्ट आते हैं। तो उसी तरह आप भी आइए और इसके मज़े लीजिए। जो इनका क्रूज़ है उसमें वेज नॉन वेज दोनों खाना है, तो आपको पहले वो लिखवा लेते हैं वेज खाना या नॉन वेज खाना, उसी तरह आपको टेबल पे बिठाते हैं। और अगर आप पूरी फैमिली आ रहे हैं, और अगर आपने कहा कि कुछ ने वेज किसी नॉन वेज, तो हो सकता है उनको अलग अलग बिठाएं, तो इस बात का ख्याल रखिए कि वेज नॉन वेज को अलग अलग टेबल कुर्सियों पर बिठाए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर खाना परोसा जाएगा। और खाने में जो है इन्होंने, हम जैसे मैं नॉन वेज चूज़ किया था, इन्होंने फिश दिया था, हाँ, और फिर इन्होंने प्रॉन्स दिए थे, और फिर जो है चिकन था, फिर राइस और सैलेड और एग ऑमलेट था, और वेज में भी जो है फ्रेंच फ्राई ये सब दिया था, तो ठीक ठाक है। ऐसे वेज वाले तो बोल रहे थे कि ठीक नहीं है, तो आप चूज़ कर सकते हैं आपको वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है। ये हमारी क्रूज़ अब एक लाइन से यहाँ सारी खड़ी है, उतारा उन्होंने वहाँ पर था और बिठाएंगे यहाँ पर। ये ड्रैगन किंग जो है, यही हमारा बोट है, ये खड़ी है। तो ये खाना तो सब कुछ देते हैं आपको, वेज नॉन वेज, लेकिन ये पानी नहीं देते, तो उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसका, जैसे मैंने एक कोक पिया कैन, उसका इन्होंने 25,000 लिया, 25,000 मीन्स हो गया 85 रुपीज़ के आसपास इन्होंने लिया हमसे। तो इस तरह का यहाँ का हाल है। अब हम जो है क्रूज़ में बैठने के लिए जा रहे हैं, टाइम हो चुका है, तो इसलिए क्रूज़ में बैठेंगे, और यहाँ पंखे के आगे थोड़ा बैठ के जो है ना ठंड आना पड़ेगा। ये लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली है, तो हम भी सोच रहे हैं कि अपनी जगह ले ही लेते हैं। अब जो है यहाँ पर केव का जो है दर्शन हो गए, अब हम अगली डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर शायद कयाक वगैरह कुछ होगा, तो वहाँ पर आपको चल के बताते हैं कि वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है।
जो है अर्जेंटीना से है। अरे आंटी भी है साथ, और ये है चिली से ना, यू फ्रॉम चिली। तो हम लोग जो है अब अगली डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे काइकिंग वगैरह की जाएगी, बोटिंग वगैरह उसके करने के लिए हम लोग जो है तैयार हो गए हैं, चल रहे हैं काइकिंग के लिए। ये सामने देख लीजिए, अभी काइकिंग यहाँ से करने के लिए जाएंगे। तो ये जो है ये सारी जनता यहाँ पहुँच चुकी है काइकिंग और जो है बोटिंग के लिए। तो हम तो जो है बोटिंग करेंगे, कुछ लोग काइकिंग करेंगे। तो ये यहाँ पर जो है पहनना पड़ रहा है, तो आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपको इस तरह से जो है लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ जैकेट के बगैर अलाउ है नहीं। तो हम जो है ये लाइफ जैकेट पहन के तैयार हो गए हैं और अब हमारी जो है बोटिंग चालू होगी। बम्बू बोट वाले इधर जा रहे हैं, बोटिंग वाले हम लोग इधर जा रहे हैं। तो भाई लोगों, हम लोग जो है ना पूरा बैठ गए हैं इस पर, और जो है इस पर ज्यादातर सब इंडियन ही है। हमने अंग्रेजों को बैठने नहीं दिया, बोला साले तुमने हमारे यहाँ 200 साल तक बैठे, इसलिए हम लोग सब इंडियन बैठे, एक भी अंग्रेज नहीं बिठाया हमने। तो यहाँ पर आकर जो आप इस तरह से कायाक कर सकते हैं, ये जैसे लोग कायाक कर रहे हैं। अभी यहाँ से जो है केप के अंदर एंट्री हो रही है, एक तरफ से लेके दूसरी तरफ जाते हैं। ये थोड़ा सा ना फुकेट की याद दिलाती है, फुकेट में इसी तरह का जो है ना केप बना हुआ है। बहुत भारी जनता पहुंच चुकी है यहाँ पर, ताकत लग रही है, मजा आ रहा है, ताकत लग रही है मैडम, नहीं सब बहुत ताकत लग रही है, जितना वहाँ खिलाया है सवाल निकाल ले गए। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं, ये सच बताइए, मजा आ रहा है आपको? हाँ, तब भाई इसी के तो पैसे लिया था उसने। ये जो एरिया है ना हलोंग वे, ये बेसिकली सेवन वंडर्स में से एक है ना, इसको कहते हैं। और ये हेरिटेज है, उसका हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। पता नहीं कहाँ कहाँ पे ये साले सेवन वंडर्स में से एक है। एक तो हमारा कुतुब मीनार नहीं रखा आज तक इन्होंने। ये हमारे जो एक भाई साहब है, इन्होंने बहुत जो हिम्मत का काम किया है। जो कहिए भाई साहब, आप सबसे ज़्यादा हिम्मत का काम आपने ही किया है। ये करना अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। अब जो हम लोग इसको खत्म करके इस ट्रिप को अब वापस जो है बोट की तरफ जा रहे हैं। तो ये केव के अंदर से तो हमारी ये वाली जो है ट्रिप खत्म हो गई है। इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप काइकिंग कर लीजिए या फिर आप बोटिंग कीजिए। तो काइकिंग लोग कर रहे थे, तो जिनकी जैसी च्वाइस है वैसे आप कर सकते हैं। और ये इसमें पैकेज में इंक्लूडेड होता है, इसमें आपको कहीं भी जितनी चीज़ें अभी एक्टिविटीज़ की इसमें से कोई भी आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, ये सब इंक्लूडेड होता है इसके अंदर। तो $33 में आपके सारे इंक्लूडेड हैं, $34। तो हलोंग वे इसी को कहते हैं, जो ये मेनली हलोंग वे यही है, और ये हलोंग वे का पूरा ट्रिप होता है, बट मेन हलोंग वे यही है। तो ये ट्रिप आपने देखा, हमने ये कर लिया। अब यहाँ से हम अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं अभी जो है इसके जो है अपने क्रूज के डेक पे आ गया हूँ, ऊपरी हिस्से पे, सबसे ऊपर। यहाँ पर लोग जो है सन बाथ ले रहे हैं, सब तरफ जो है लोग सन बाथ ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसा ही है सिस्टम, तो आप यहाँ आकर जो है एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप काइकिंग वाइकिंग करने के बाद जो है अब यहाँ पर अगर देखिए लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ से नीचे जा रहे हैं। तो ये क्रूज में जैसे ये बाथरूम भी है, तो ये सब बाथरूम है मेल दोनों के लिए। और ये जो है ना ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर भी लोग बैठ कर जो है, और इसमें कोई भी क्लास नहीं होता है कि लग्जरी ये वो, कोई इसमें क्लास नहीं, वो क्रूज ही अलग होता है, ये डिलक्स है। तो लग्जरी तो जो है वो अलग होता है। तो ये यहाँ पे जो है कैप्टन बैठते हैं, कैप्टन है यहाँ का। तो हमारी जो है क्रूज निकल चुकी है और हम अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से तो क्रूज निकली, अब देखते हैं कि अगली डेस्टिनेशन क्या है। अगली डेस्टिनेशन सर कोई आइलैंड है छोटा सा। जब आप क्रूज बुकिंग करते हैं तो आप ना थोड़ा बार्गेनिंग कीजिए। ये लोग बोलेंगे $45, $40, $50, सब अलग अलग $65 बोलेंगे। आप बार्गेनिंग कीजिए, और वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। अगर आप लग्जरी चाहते हैं तो लग्जरी बुक कीजिए, डिलक्स की तरफ करना चाहते हैं। मुझे तो ये डिलक्स वाला अच्छा लगा। अब लग्जरी में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि उसमें बुफे मील होता है, कि उसमें इसमें आपको टेबल पे ला के देते हैं लिमिटेड, उसमें बुफे होता है, बीच में रखा आप उठा उठा के खाइए, फर्क यही है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पानी जो है लेके आइए आप, जो है ऐसे पानी तो अंदर ले आने देते हैं लेकिन बैग में डालकर आप ला सकते हैं। और पानी जो है वो 1.5-2 लीटर वाला जो बड़ा होता है वो लेकर आइए, क्योंकि पानी प्यास लगती है। और यहाँ पर पानी ये लोग देते नहीं, वो खरीदना पड़ता। तो आपको दिखाता हूँ कि ना, ये छोटा सा केन है जो 20,000 डोंग का है। 20,000 डोंग मतलब हो गया इंडियन करेंसी में लगभग 70 रुपये का। तो बेटर है कि आप पानी खुद लेकर आएँ, नहीं तो इतना महंगा पानी आपको खरीदे पीना पड़ेगा, और वो आप बैग में डाल के ला सकते हैं। तो ये जो है अगली डेस्टिनेशन हमारी आ गई है, ये कोई बीच है यहाँ पर, तो हम इसमें जा रहे हैं। तो हम यहाँ पहुँचे हैं और ये एक लास्ट डेस्टिनेशन है ये।
और यहाँ पर घूम के जो हम लोग फिर वापस जो है यहाँ से लौट जाएंगे। और यहाँ पर जो है स्विमिंग वगैरह का जो है कराया जाता है, यहाँ आप स्विम कर सकते हैं। ये सामने जो है बीच है, एक सुंदर सा यहाँ पे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर आइए स्विमिंग कीजिए। जैसे कि वॉलीबॉल वगैरह खेलने का यहाँ पर है, तो आप यहाँ वॉलीबॉल वगैरह भी खेल सकते हैं। पर ये देखिए कि महिला लोग जो है स्नान करने के बाद रेस्ट कर रही हैं। डेस्टिनेशन यहाँ पर और है जो कि ऊपर की तरफ लोग जाते हैं, खैर हम तो नहीं जा रहे हैं यहाँ। देखिए लोग बाहर जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि मैं तो ऊपर नहीं चढ़ूँगा, बहुत हाइट पे लोग जाते हैं। अब जो है हमारा यहाँ का ट्रिप जो है ख़त्म हो गया, हम वापस जो है क्रूज़ में बैठने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी क्रूज़ जो है आकर लग चुकी है और ये लास्ट डेस्टिनेशन था, अब ये ख़त्म हो गया। अब एक जो है सनसेट पार्टी होगी, तो सनसेट पार्टी इंक्लूड है इसमें। तो एक एक करके सारे टूरिस्ट जो है ना वापस जाना शुरू हो चुका है। अब यहाँ कुछ जो है अंग्रेज लोग ऐसे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं सब, जो इनकी आदत है। और हम तो जो है वापस क्रूज़ में जा रहे हैं। आप जब भी इस ट्रिप पर आइए अपने कपड़े लेके आइए थोड़े बैग में, और पानी बोतल दोनों, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। तो हम जो है अपनी बोट में बैठने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी जो है क्रूज़ वहाँ खड़ी है। अब जो है हमारी बोट जो है स्टेशन से निकल चुकी है और वापस जो अब हम लोग यहाँ से आएँगे वैसे हार्बर पर, जहाँ से हमने जो है क्रूज़ लिया था। और एक जो है अभी पार्टी होगी, सनसेट पार्टी, अब वो भी आपको दिखाएंगे कैसे पार्टी। अब लास्ट जो है एक्टिविटी बची हुई है, तो अभी जो है वाइन परोसा जा रहा है और साथ में स्नैक्स। तो सब लोग, मैं तो खैर नहीं लेता, मैंने टी लिया है, तो शाम को स्नैक्स में जो है टी भी मिलता है, वाइन भी मिलता है, और साथ में जो है बिस्किट और कुछ चिप्स वगैरह देते हैं और फ्रेंच फ्राई वगैरह। तो ये लोग बेसिकली क्या होता है ना कि आपको जो है ड्रिंक में या तो चाय देते हैं या फिर आपको वाइन देते हैं, रेड वाइन। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो इस तरह शाम को जो है आपको, जब सारा ट्रिप फिनिश होकर अब जाने लगते हैं, तो ये जो है कहते हैं सनसेट पार्टी के नाम पे म्यूजिक चलाते हैं एक, और आपको रेड वाइन और इनकी जो है क्या बोलते हैं कोल्ड टी, हाँ ठंडी होती है वो देते हैं। वो दूध वाली चाय आप समझ के मत आइएगा, हाँ ये वो नॉर्मल चाय जो देती है वो ठंडी वाली, पता नहीं इनकी खुद की चाय है और मुझे उसमें कोई स्वाद तो लगा नहीं। और ये सामने हार्बर पहुंच है, और ये हार्बर पे देखिए साइड में बहुत सारे होटल्स हैं, तो आप यहाँ आकर भी स्टे कर सकते हैं अलोंग वे में, और यहाँ पे स्टे करके यहाँ से भी आप घूम सकते हैं, बहुत लोग यहाँ पर स्टे करते हैं। तो ये पूरा जो क्रूज का ट्रिप था वो पूरे 6 घंटे का था, तो ये 12 बजे दिन में यहाँ से निकली थी और 6 बजे वापस अपने उस पर आ चुकी है। सामने आपको दिख रहा होगा ये सी प्लेन है, तो यहाँ पर सी प्लेन भी होता है, आप सी प्लेन लेकर भी यहाँ पर घूम सकते हैं। हम लोगों की जो है बस यहाँ से खुल चुकी है, अब वापस जो है हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। पूरा 6 घंटे का पानी वानी का इंतजाम करके आइए भाई साहब, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत होगी। हाँ मिलता है पैसे जो, कितना लेता है? तुमने क्यों नहीं स्पॉन्सर ले लिया मेरे पानी का, स्पॉन्सरशिप ले लेता पानी का। दोस्तों हम जो है हलोंग वे का ट्रिप करके वापस होटल आ गए हैं। आज का ब्लॉग अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।